अल्बम एक्सप्रेस में देखिए, यहाँ पे साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा साइज का आपका एल्बम करना है, साइज आप टाइप कर सकते हैं, इसमें साइज का कोई लिमिट नहीं है। तो आपको 12:30 करना है तो 12:30, 12:33 करना है तो 12:33, या फिर टाइप करना है आपको 15:24 करना है तो 15:24 टाइप करना है, या जो साइज आपको करना है यहाँ पे आपको साइज को टाइप करना है। और उसके बाद जो आएगा मार्जिन्स, तो क्या क्या सेट करना है आपका, रेफरेंस DPA 300 सेट है, और नंबर ऑफ पेजेस एल्बम शीट के अनुसार पेज देना है। अभी समझो आपको 20 शीट का एल्बम बनाना है, 40 पेज देना है, पेज मतलब लेफ्ट राइट का पेज, मैंने 20 शीट चाहिए तो 40 पेज सेलेक्ट किया। कवर पेज, जो एल्बम का कवर पेज बोलते हैं, उसको अभी करना है तो उसका साइज क्या है, कवर पेज का साइज चाहिए तो साइज भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, और बाद में करना है तो नो, दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्लिक करते ही यहाँ पे टोटल 5 मोड में आप एल्बम बना सकते हैं, उसमें 4 ऑटोमेटिक है और 1 मैनुअल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है टाइम बेस्ड है, यहाँ पे लिखा है मतलब आपका टाइमिंग के अनुसार एल्बम में फोटोज का जो आपने टाइम है, फोटो शूट का जो टाइम हम उसको विधि के अनुसार बोलते हैं, तो टाइम के अनुसार फोटोज ऑटोमेटिक एल्बम का पेज सेटअप कर देगा आपने, आप बाद में उसको मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम बेस्ड टेम्पलेट बेस्ड। इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर आज के दिन में कम से कम 18,000 के ऊपर टेम्पलेट हमें वेबसाइट में ऐड किया है, वही टेम्पलेट यूज करके आपको एक एक शीट को टेम्पलेट ऐड करके फोटोज देना है, तो ऑटोमेटिक बॉक्स में टेम्पलेट बेसिस में फुल शीट एल्बम बन जाएगा ऑटो क्रिएशन। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइम फोटो बेसिस। समझो आपको एक 300 फोटो है आपके पास, उसको एक एक शीट में 7 फोटो, 8 फोटो, 6 फोटोज के अनुसार 20 शीट में, 25 शीट में, 28 शीट के अंदर आपको फिनिश करना है एल्बम, तो फोटो बेसिस एल्बम उसमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको पेज कितना पेज का बनेगा वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा, उसके अनुसार आपका एल्बम बन जाएगा फोटो बेस्ड। और एल्बम बेस्ड में क्या है, आपने ऑलरेडी आपने बहुत सारे एल्बम बनाया है एल्बम एक्सप्रेस में, वही एल्बम दूसरे कस्टमर को रिपीट मतलब रीयूज करना है, रिप्लेस करना है, तो आप एल्बम बेस्ड में यूज कर सकते हो, चौथा ऑप्शन। पांचवा जो है मैनुअल क्रिएशन, उसमें क्या है, एक एक शीट को आप ऑटो भी कर सकते हो, एक एक शीट को मैनुअल कर सकते हो, एक एक शीट सेमी ऑटोमेटिक मतलब आधा ऑटो आधा मैनुअल कर सकते हो, सारा कंट्रोल आपको मैनुअल मोड में मिलेगा, मगर एक एक शीट को, बाकी सब फुल शीट फुल पेज फुल शीट को बनेगा, इसमें एक एक शीट भी आप कर सकते हो। समझो अभी मैं 1x1 स्टडी करता हूँ, एक तो फर्स्ट आपको टेम्पलेट बेसर दिखा देता हूँ, यहाँ पर टेम्पलेट बेसर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही सबसे पहले आपको जो जितना शीट आपने सेलेक्ट किया उतना शीट पूरा दिखेगा ऊपर, और नीचे पूरा टेम्पलेट्स, कितना टेम्पलेट्स आपके सॉफ्टवेयर के अंदर है सारा दिखेगा ऊपर, कितना आपने शीट सेलेक्ट किया है। अभी समझो मैंने शीट नंबर 1 जो है मेरा, उसके लिए मैं जो टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, ये मेरा शीट नंबर 1 के लिए चाहिए, शीट नंबर 2 के लिए मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, और शीट नंबर 3 के लिए मेरे को 7 फोटो पर नहीं चाहिए, मेरे को 5 फोटो पर चाहिए। देखिए पूरा 5 फोटो वाला पेज ओपन हो गया, अभी 5 फोटो का कितना टेम्पलेट्स है वो सारा यहाँ पे नीचे दिखेगा, यहाँ पे फिल्टर करने का ऑप्शन है। अभी जो है 5 फोटो का डिजाइन, इसमें कौन सा टेम्पलेट मेरे को अच्छा लगता है वो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे टेम्पलेट आपको दिखेगा अलग अलग कैटेगरी का, इसमें कौन सा टेम्पलेट आपको यूज करना है वो टेम्पलेट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, पूरा यहाँ पे डिजाइन आपको दिखेगा, ये मेरा ये वाला यूज करता हूँ। ऐसे आपको पूरा शीट के लिए टेम्पलेट दे दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद फोटोज का पाथ पूछेगा आपका फोटोज किधर है, ब्राउज करके आपका फोटोज आप यूज कर लीजिए कौन सा पाथ में आपका फोटोज है, और यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे 7 फोटो है, 7 हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकल है, इसमें 5 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल है, आपको फोटो भी दिखेगा ओरिएंटेशन, ये फोटो में 5 हॉरिजॉन्टल है, आप यहाँ पे ड्रैग करके भी आप ऐड कर सकते हो, आपको जो मैनुअली सेट करना है नहीं सॉफ्टवेयर को ऑटो सेट करना है तो सेलेक्ट ऑल कर लिया, नेक्स्ट करना है, दोनों ऑप्शन है, फोटो को आपके अनुसार जो टेम्पलेट के ऊपर डालना है तो आप मैनुअली ड्रैग कर सकते हो, ऑटोमेटिकली सेट करना है, जस्ट मैंने ड्रैग किया जो आपने आप सॉफ्टवेयर ले लेगा, क्योंकि शीट नंबर 1 है, शीट नंबर 2 है, शीट नंबर 3 है, वो हिसाब से सारे के सारा पेज रेडी होके सॉफ्टवेयर आपको बना के दे दिया। अभी समझो इसको कुछ भी मॉडिफाई करना है, यहाँ पे मॉडिफाई करने का भी आपको मिलेगा, क्योंकि ऊपर जो आपको डिजाइन का जो टूल्स है सारा डिजाइनिंग टूल है,
डिजाइन है, टेक्स्ट ऐड करना है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, क्लिप आर्ट है, मास्क है, डेकोर, लाइट लीक्स, इफेक्ट, सारा आपको डिजाइनिंग। समझो आपको ये फोटोज को थोड़ा मोमेंटम करना है, रिसाइज करना है, या फिर रिसाइज करने का ऑप्शन है, और कुछ क्रॉप करना है, क्रॉप करके उसको एडजस्ट करना है, इस तरह सेट कर सकते हो। और इसके ऊपर जो इफेक्ट अप्लाइड है, कुछ तो इफेक्ट अप्लाई है, उसको आपको पता नहीं कौन सा अप्लाइड है, आप राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक किए तो आपको पता चलेगा कुछ तो इफेक्ट है। तो कुछ भी इफेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक है। हम जो कोई भी फोटोज के ऊपर, अभी ये फोटो मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कर देखे, देखिए क्लियर इफेक्ट, यहाँ पे आपको आउटलाइन इफेक्ट अप्लाइड है, उसको हटाना है तो क्लियर कर सकते हो आप, रिमूव हो गया। और इसके ऊपर कुछ मास्किंग वगैरह ऐड करना है तो मास्किंग भी आप ऐड कर सकते हो। इसका साइज भी मैं थोड़ा कम करता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे काफी सारे मास्किंग आपको मिलेगा, उसमें कौन सा मास्क आपको अप्लाई करना है, तो इस सबसे मास्क आप अप्लाई कर लीजिए, जो मास्क अप्लाई करते हो वही मास्क यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। और इसके ऊपर कुछ बॉर्डर वगैरह ऐड करना है तो बॉर्डर मैंने ऐड किया। तो इस मतलब एग्जिस्टिंग जो रेडी टेम्पलेट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, एक बार रेडी होके आ गया पूरा पेज में, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टाइटल है, टाइटल को आपको चेंज करना है, चेंज कर सकते हो, आपको मूवमेंट करना है तो मूवमेंट कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट बटन, और आपको खुद का ऐड करना है तो डेकोर, डेकोर मुझे कि क्लिप पार्ट है। क्लिप पार्ट में सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे आपको ऐसा रेडी मिलेगा, उसको आप ऐड करना है तो डायरेक्टली ऐड करने का भी ऑप्शन है। काफ़ी सारे वर्डिंग भी मिलेगा आपको, वो वर्डिंग डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, या देखिए रेडी वर्डिंग आपको बहुत सारे मिलेगा और इसको ऐड करने का भी ऑप्शन है। और आपको खुद का ऐड करना है तो यहाँ पे ब्राउज बटन है, ब्राउज करके कोई भी PNG आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और आपको खुद का टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट में जाके जो टाइटल आपको टाइप करना है वो आप कर सकते हो। ये है ऑटोमेटिक मोड में टेम्पलेट बेस्ड ऑप्शन में बनाया गया टेम्पलेट को आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। तीसरे यहाँ पे देखिए ऑटो क्रिएशन फोटो बेस्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, रैंडम साइज और सेम साइज। रैंडम साइज मतलब हर एक फोटो का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो साइज में चेंज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली चेंज करेगा मिक्स साइज में। सेम साइज में मतलब हर एक फोटो सेम साइज रहेगा 4x6, और मीडियम मतलब 5x7। हमें रैंडम से सेलेक्ट किया, या कोई भी एक थीम आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जो पसंद जो थीम है वो थीम सेलेक्ट कर लीजिए, वही थीम पूरा पेज को अप्लाई होगा। और कितना पेज है, 17 फोटोज, मैं पूछे तो फोटोज का पार्ट चेंज करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा फोटो ले लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट किया, अभी देखिए 111 फोटो है। अभी सॉफ्टवेयर आपको पूछ रहा है मैक्सिमम फोटोज पर स्प्रेड, एक शीट स्प्रेड मतलब एक शीट को कितना फोटो ऐड करना है। मैं सॉफ्टवेयर को बोलता हूँ मेरे को 6 फोटो से ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अभी सॉफ्टवेयर देख के रेकमेंड कर रहे हैं 37 पेज, ऑलमोस्ट 38 पेज, मतलब 19 शीट का एल्बम बनेगा। अभी मेरे को 8 फोटो से ज़्यादा ऐड नहीं करना है तो 28 पेज का एल्बम बनेगा, 28 पेज मतलब 14 शीट का, 8 पेज का मतलब आप सेट कर सकते हो। मैंने 8 फोटो का डाल दिया, अभी यहाँ पे 28 पेज सेलेक्ट किया तो 14 स्प्रेड मतलब शीट बन गया, देखिए बस उतना ही। अभी नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, सॉफ्टवेयर मैक्सिमम एक एक शीट में 8 फोटो से ज़्यादा नहीं लेगा, मैक्सिमम लिमिट डाला हूँ मैं, और 8 फोटोज के अनुसार पूरा के पूरा शीट में 8 फोटोज का एल्बम मेरा बन के रेडी हो जाता है कम्प्लीटली। कोई भी थीम आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको लगता है लेआउट को चेंज करना है, यहाँ पे चेंज लेआउट बटन है, सो चेंज लेआउट क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वही थीम में अलग अलग लेआउट बना के रखेगा। तो कितना बार आप चेंज लेआउट क्लिक करते हो उतना नया लेआउट इसमें बनेगा, ये देखिए। और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में भी, अभी देखो मैंने सिर्फ लेफ्ट में क्लिक करता हूँ, लेफ्ट में ही अलग लेआउट बनेगा और राइट में अलग से बनेगा, ठीक है। मैंने आप कितना बार क्लिक करते हो उतना नया कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा सेम में राइट में भी। और इसको जो भी ऑलरेडी मैंने बताया मास्किंग हो, बॉर्डर हो, सब कुछ आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन है। जो मास्किंग आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन है, कोई भी मास्किंग यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन है। सब कुछ एडिटेबल है,
जो मास को आपको ऐड करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। पर एग्जिस्टिंग जो भी लेयर निकालना है तो ऑलरेडी मैंने बताया क्लियर इफेक्ट, मैं बॉर्डर को हटा दिया, ये देखिए इस तरह से। और अभी समझो ये मैं आपको सिर्फ मास्क अप्लाई किया आपने, इसको ऐसे बॉर्डर कन्वर्ट करना है। मास्क के ऊपर मैं क्या करता हूँ, आउटलाइन है देखिए यहाँ पे, और आउटलाइन ऐड किया और इसका कलर जो चाहिए वो कलर पे आप चेंज कर सकते हो। मैंने व्हाइट सेलेक्ट किया, व्हाइट कलर का स्ट्रोक कर दिया। इस तरह से आपका खुद का चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी बैकग्राउंड बदलना है तो बैकग्राउंड में तीन ऑप्शन है, सॉलिड कलर मतलब प्लेन कलर लाना है तो प्लेन कलर, कोई भी आपका प्लेन कलर का बैकग्राउंड बन जाएगा। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड डीजीप्लिक का जो अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कितना भी बैकग्राउंड है वही बैकग्राउंड ऐड करना है, काफ़ी सारे बैकग्राउंड रेडी मिलेगा, वो बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। उसका अलग अलग टोन चाहिए तो रेडी टोन मिलेगा, रेडी टोन में देखिए 18 डिफरेंट कलर टोन मिलेगा अलग अलग टोन पे, वही टोन आप अप्लाई कर सकते हो अलग अलग टोन का। सर आपको खुद का यूज़ करना है तो यहाँ पे ब्राउज बटन है, ब्राउज करके आपका खुद का बैकग्राउंड भी बाहर से आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी जेपीजी बैकग्राउंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। ये दूसरा ऑप्शन है मतलब फोटो बेस्ड ऑप्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एल्बम बेस्ड मतलब ऑलरेडी बनाया गया एल्बम को आप रीयूज कर सकते हो। तीसरा क्या है, मैनुअल क्रिएशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, समझो आपने एक एक शीट को आप तो भी कर सकते हो, एक एक शीट को मैनुअल भी कर सकते हो, पूरा के पूरा ऑप्शन आपको मैनुअल मोड में मिल जाएगा। तो उसका नाम है मैनुअल मोड, मगर उसमें दोनों काम कर सकते हैं, ऑटो मैनुअल तरह की। यहाँ पे देखिए ऊपर पूरा डिजाइनिंग का टूल है और नीचे यहाँ पे एल्बम और फोटो का कैटेगरी। फोटोज को देखिए यहाँ पे दो सिंबल है, इसको क्लिक करते ही फोटोज का पाथ आपको बाहर रखना कर सकते हो आप, यहाँ पे रख के आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, डबल क्लिक किए तो फिर से उधर ही जाएगा। और यहाँ पे फोटो का पाथ, अभी समझो फोटोज को वेडिंग फोटो सेलेक्ट किया, यहाँ पे फोटो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल मैंने 6 फोटो ऐड किया। अभी मैंने मैनुअल मोड में हूँ मगर मेरे पे एक ही शीट ऑटोमेटिक करना है, मुझे यहाँ पे चेंज टेम्पलेट है नीचे, चेंज टेम्पलेट पे मैं क्लिक करता हूँ, सॉफ्टवेयर फोटोज को रीड करेगा और इसका ओरिएंटेशन मतलब कितना वर्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल उसको रीड करेगा और अपने आप एक एक शीट को ऑटोमेटिक बना के दे देगा। देखिए ये आपको अच्छा लगा कुछ मॉडिफाई करने तो कर सकते हो, मगर ये लेआउट अच्छा लगा डिज़ाइन अच्छा लगा आप छोड़ सकते हो, अच्छा नहीं लगा फिर से चेंज टेम्पलेट। तो कितना बार आप चेंज टेम्पलेट करोगे उतना बार सॉफ्टवेयर नया नया डिजाइन आपको सजेस्ट करते रहेगा। ये देखिए अलग अलग डिजाइन आपको मिलेगा जो चेंज टेम्पलेट ऑप्शन में, तो करते रहिए डिफरेंट डिजाइन आपको मिलेगा, जो कौन सा डिजाइन आपको अच्छा लगता है तो वो टाइम पे आप स्टॉप कर सकते हो। देखिए ये अलग अलग डिजाइन आपको बता देगा सॉफ्टवेयर, मेरे को ये डिजाइन अच्छा लगा इसको मैं छोड़ सकता हूँ यहाँ पे, और कुछ भी यहाँ पर मॉडिफाई करना है ऑलरेडी मैंने बताया जो डिजाइन आपको अच्छा लगा उसको भी मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे जाके आप मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन है कंप्लीट। कुछ भी आपको वर्डिंग से लेके सारा चीज यहाँ पे कंट्रोल है और चेंज करने का ऑप्शन है। एक शीट हो गया, दूसरा शीट देखिए वो शीट ऑटोमेटिक सेव हो गया, आपको सेव करने का भी ऑप्शन जरूरी नहीं, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। यहाँ पे चेंज टेम्पलेट एक ऑप्शन है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज टेम्पलेट में क्या होता है, नेक्स्ट डिजाइन कौन सा आते हैं मेरे को पता नहीं, अभी मैं क्या करना है पहले मेरे को डिजाइन देखना है। अभी समझो मैंने 7 फोटो ऐड किया, अभी 7 फोटो ऐड किया, उसमें एक वर्टिकल है और 6 हॉरिजॉन्टल है। अभी मेरे को पहले डिजाइन देखना है, मैं डिजाइन में जाऊंगा, यहाँ पे टेम्पलेट्स में मैं मेरे साइज के अनुसार यहाँ पे हमने नाम दिया है, एक्स्ट्रा पैनोरामिक पैनोरामिक लैंडस्केप अलग अलग एल्बम साइज के अनुसार। अभी मेरे को एक्स्ट्रा पैनोरामिक चाहिए क्योंकि 12, 30, 36 सब उसके अंदर रहता है।
अब यहाँ पे कितना फोटो डाला मैंने, 7 फोटोज सेलेक्ट किया, 7 फोटोज का सारा डिजाइन यहाँ पे ओपन होगा। आप देख सकते पूरा 7 फोटो का डिजाइन है इसमें। अगर इसमें 7 फोटोज का पूरा है, मिक्स है, अगर आपको कौन सा चाहिए पता नहीं आपको, क्योंकि इसमें कितना वर्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल है वो आपको फिल्टर करना है। यहाँ पे नया वर्जन में हमने ये फिल्टर ऐड किया। अभी देखिए इसमें मेरा 6 हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल है। अभी सॉफ्टवेयर अपना टेम्पलेट गैलरी में वही टेम्पलेट सर्च करेगा, उसमें 6 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है। देखिए पूरा टेम्पलेट में 6 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल है। इसमें से आपको कौन सा डिजाइन आपका अच्छा लगा उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा ये डिजाइन, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर टेम्पलेट्स के अनुसार डिजाइन बना के दे दिया। ये अच्छा नहीं लगा दूसरा चाहिए दूसरा, कोई भी लेआउट आपको अच्छा लगा उसके ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए, उतना डिजाइन यहाँ पे बना के दे दिया सॉफ्टवेयर। अगेन ये फाइनल नहीं है, इसमें कुछ भी मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं आप। फोटोज से लेके फोटोज को अभी समझो ये वाला फोटो और ये वाला फोटो दोनों इंटरचेंज करना है, दोनों को कंट्रोल बटन दबाया मैंने, कंट्रोल बटन सेलेक्ट किया और फोटोज के ऊपर एक सिंपल आया देखिए वो उसको छोटा छोटा उसके ऊपर क्लिक करना है बस। देखिए दोनों फोटो सेलेक्ट करना है, फोटोज के ऊपर एक सिंपल उसको क्लिक करना है, दोनों फोटोज इंटरचेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। उधर का फोटो इधर आया और इधर का फोटो उधर गया सीधा। पर फोटोज को क्रॉपिंग करना है, क्रॉपिंग कर सकते हैं आप, और फोटोज को फ्रेम के अंदर जूम करना है, जूम कर सकते हो। इसको देखिए जूम करना है तो जूम कर सकते हो। और ये कुछ तो इफेक्ट अप्लाई आपको नहीं चाहिए, क्लियर इफेक्ट मास्क और लेयर मास्क दो ऑप्शन है, दोनों हटा सकते हो आप ओरिजिनल फोटो आके। और इसके ऊपर कुछ इफेक्ट ऐड करना है जो कि लाइट क्लिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक के इफेक्ट, तो लाइट क्लिक यानी बुक के इफेक्ट बोलते हैं। सो वन क्लिक में आप अलग अलग इफेक्ट इसमें डाल सकते हो, डिफरेंट टाइप का बुक के इफेक्ट, जो बारिश का क्रिएट करना है, ये देखिए इस तरह का बुक के इफेक्ट आप डाल सकते हो वन क्लिक में। क्या नया वर्जन में ही ऐड हुआ है लाइट क्लिक्स? सो पहले वाला वर्जन में नहीं था ये, तो लेटेस्ट वर्जन में ही ऐड हुआ है। और इस तरह का अलग अलग शेप भी आपको ऐड करना है बैकग्राउंड के ऊपर, यहाँ पर डेकोर में क्लिप आर्ट है, शेप से स्लोगन, तीनों ऑप्शन है। तो तीनों आपको अलग अलग कैटेगरी में आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको सेमी ऑटोमेटिक, मतलब आपको सॉफ्टवेयर को सिर्फ लेआउट बनाना है, बाकी सब आप मैनुअली डालना है वो भी आप कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे कितना फोटो यूज हुआ है, इसकी इंडिकेशन यहाँ पे दिखा के देखिए 111 जो इंडिकेशन है, मतलब कितना बार यूज हुआ है। और यहाँ पे फिल्टर भी है, यूज्ड अनयूज्ड ऑल, इस तरह का फिल्टर भी आपको मिलेगा। अभी मैं समझो दूसरे फोटो यूज करता हूँ, 8 फोटो ऐड किए। अभी सॉफ्टवेयर को बोलता हूँ चेंज लेआउट करो, सॉफ्टवेयर को बोला मैंने सिर्फ लेआउट बना के दे दो, बाकी जो बैकग्राउंड बॉर्डर वर्डिंग जो भी ऐड करना मैं बाद में कर देता हूँ, क्योंकि मैं चेंज लेआउट करा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर अलग अलग लेआउट मेरे को सजेशन कर रहा है, इसमें कौन सा लेआउट आपको पसंद है उसके ऊपर आप जोड़ सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट ऑप्शन है, अलग अलग लेआउट है। मेरे को राइट में अच्छा लगा, लेफ्ट में चेंज नहीं हुआ, लेफ्ट में चेंज कर लीजिए, लेफ्ट में चेंज करो, सिर्फ लेफ्ट में चेंज होगा। देखिए ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है इस तरह से। अभी मैं जोड़ देता हूँ, अभी कोई फोटोज को मेरे को सेट एज बैकग्राउंड करना है। अभी समझो यहाँ पे फोटोज है, इसको मैं सेट एज बैकग्राउंड कर लेता हूँ नीचे, क्योंकि फोटो सीधा बैकग्राउंड में गया, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे। और इसको समझो राइट साइड में ओपेसिटी है, फेदर है, ब्लर है, कुछ कम करना है, मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ इस तरह। सो ओपेसिटी कम किया मैंने, सो बैकग्राउंड में फोटो है उसका ओपेसिटी मैं चाहे तो कम कर सकता हूँ। और बाकी फोटोज के ऊपर कुछ बॉर्डर अप्लाई करना है, बॉर्डर है तो सिंपल है तो सिंपल अप करना है, अट्रैक्टिव करना है, सारा चीज़ यहाँ पे मिलेगा आपको बॉर्डर का, अलग अलग टाइप का बॉर्डरिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे भी मास्किंग हो, लेयर मास्क है, जो भी आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग मास्किंग करने का भी ऑप्शन है। देखिए इस तरह का मास्किंग ये यहाँ पे अप्लाई हो गया, बाकी ये आपको खुद का बॉर्डरिंग करना है यहाँ पे आउटलाइन, मैंने ऑलरेडी बताया इसको कितना mm चाहिए, आप mm टाइप कर सकते हो,
ऊपर कौन सा कलर का चाहिए वो कलर का सेट कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको डिजाइन देखिए सॉफ्टवेयर से आपको लेआउट बना के दे दिया, बाकी आपने मैनुअल किया। और यहाँ पे टेक्स्ट भी आपको रेडी नहीं चाहिए, डेकोर में जाके आपको खुद का टाइप करना है, यहाँ पे टाइप कर सकते हो। वर्डिंग मैंने टाइप किया और इसको कहाँ पे रखना है, किधर भी आपको रखना है तो यहाँ पे रख सकते हो। और उसका फॉन्ट कलर सारा यहाँ पे चेंज करने का भी ऑप्शन है। देखिए फॉन्ट, जो फॉन्ट है आपका सिस्टम पे जो फॉन्ट है वही दिखेगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉन्ट जो है सिस्टम पे आपका कौन सा फॉन्ट इंस्टॉल्ड है और सारा फॉन्ट यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे इस तरह से, और उसका जो कलर कॉम्बिनेशन, जो रेडी कलर हमने बहुत सारे रेडी कलर दिए गए हैं, वो रेडी कलर भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो कलर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कलर भी यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप रख सकते हो, या टेक्सचर करके जो मिक्स कलर का जो कलर है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी, नहीं तो फोटोज को ही ऐसे कलर भी आप रख सकते हो, जो फोटोज है वही यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर में रहेगा। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो अलग अलग कलरिंग ऑप्शन। तभी बड़ा करके इसको सेव कर सकते हो और इसको राइट क्लिक करके सेव ऑप्शन है देखिए नीचे, सेव करके जो आपका सॉफ्टवेयर का जो क्लिप आर्ट कोड है उसके अंदर आप सेव करके रख सकते हो। ये आपका कंप्लीट वन बाय वन प्रोसेस ऑटो या मैनुअल दोनों मोड में आपका शीट यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही मिक्सिंग शीट भी देखिए, यहाँ पे मेरे को तीन फोटो का एक मिक्सिंग फोटो ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ तीन फोटो का सेलेक्ट किया, यहाँ पे एल्बम गैलरी में जाके यहाँ पे तीन फोटो का सारा फोटोज यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीन फोटो का, यहाँ पे विद मिक्सिंग का भी है, विदाउट विद कटिंग का भी है, विदाउट कटिंग का भी है, दोनों फोटो यहाँ पे मिक्स रहता है। यहाँ पे देखिए विद कटिंग विदाउट कटिंग, इसमें कौन सा फोटो सबको यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो मुझे ये डिजाइन मेरे को ऐसे आपको मिक्सिंग शीट में यूज करना है। यहाँ पे कटिंग फोटो का आप पहले ही कटिंग करके लेके आए तो ऐसा फोल्ड रहेगा आपको, मैं यहाँ पे कटिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कहाँ पे रखना है तो रख लीजिए इस तरह से। और बाकी जो है नॉन कटिंग फोटो से, तो नॉन कटिंग फोटोज को कहाँ पे यूज करना है, कौन सा फोटो यूज करना है, वही हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जांपल ये दो नॉन कटिंग फोटोज है, इसको मैं यहाँ पे यूज किया। और यहाँ पे कुछ भी आपको वर्डिंग्स या फिर स्लोगन डालना है तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्लोगन मिलेगा आपको, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्लोगन हमारे वेबसाइट में भी मिलेगा और यहाँ से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है और आप खुद का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ कंपल्सरी नहीं है कि यही यूज़ करना है, कोई भी रेडी वर्डिंग्स फ्लिपकार्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से तो रेडी बहुत सारे ऐसा फ्लिपकार्ट मिलेगा, इसको यूज़ करके आप ऐड कर सकते हो टाइटलिंग में। सो इट्स अ वन बाय वन शीट। अभी समझो मेरे को एक शीट मैनुअली करना है, मैं लेफ्ट में क्लिक किया, लेफ्ट साइड क्लिक करता हूँ। अभी देखिए एक फोटो से इसको मैं सेट एज बैकग्राउंड कर लिया, फोटो बैकग्राउंड में गया और इसको मैं कुछ स्पेशल इफेक्ट ऐड करना है बैकग्राउंड को भी मैं ऐड कर सकता हूँ। सो अभी समझो वन चार, क्योंकि चार फोटो ऐड के सिर्फ लेफ्ट में गया, राइट में नहीं गया। मैं अभी इसको क्या करता हूँ, मेरा चार फोटो है यहाँ पे, आप देख सकते हो चार फोटो है। अभी समझो उसमें से एक फोटो, चारों फोटो सेलेक्ट करता हूँ, एक फोटो को मेरे को रिसाइज करना है, क्लिक किया, दोनों फोटो 9.5.99 है, मैं दोनों को चेंज करके 6x4 को करना है। 6x4 में किया, सभी फोटो 6x4 में चेंज हो चुकी है।
वन क्लिक में मैंने एक फोटो को चेंज किया, ऑटोमेटिकली वो सारा फोटो के ऊपर अप्लाई हो गया। तो एक फोटो को मैंने सेट करता हूँ, आपको अलाइनमेंट लाइन भी दिखेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और अलाइनमेंट लाइन के साथ जो एंगल में जो आपको लेआउट डालना है वैसे आप सब लेआउट डाल सकते हो। तो लेफ्ट में हो गया, राइट में क्लिक करता हूँ, राइट में मैं तीन फोटो ऐड करता हूँ, तीन फोटो ऐड के भी मैं सॉफ्टवेयर को बोलता हूँ ऑटोमेटिक, एक शीट ऑटोमेटिक करना चाहिए मेरे को। मैं चेंज टेम्पलेट किया, सॉफ्टवेयर वन क्लिक में फोटोज को रीड किया और ऑटोमेटिक बना दिया। लेफ्ट में मैनुअल किया, राइट में ऑटोमेटिक। मतलब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि दोनों यहाँ पे पॉसिबल है ऑटो करने, ऑटो वन साइड ऑटोमेटिक वन साइड मैनुअल, सो दोनों यहाँ पे पॉसिबल है। बस मैं चेंज टेम्पलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, सो ऑटोमेटिकली एक एक टेम्पलेट यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में भी आपका शीट बन जाएगा, सो ऑटो मैनुअल मोड में दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। ऐसे कुछ स्पेशल स्पेशल फीचर्स भी है यहाँ पे, समझो आपको ज्वेलरी हाईलाइट करना है तो ज्वेलरी हाईलाइट का भी यहाँ पे इनबिल्ट ऑप्शन मिलेगा। समझो मैं फोटोस ऐड किया, यहाँ पे देखिए होम स्क्रीन में एडिट फोटो, यहाँ पे हाईलाइटर, हाईलाइटर में गया, पूरा फोटोस ब्लैक एंड व्हाइट में है, और ब्रश से सेलेक्ट करता हूँ, आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रश साइज बड़ा छोटा कम कर सकते हो आप, और सीधा कौन सा ऑब्जेक्ट के ऊपर कलराइज करना है हाईलाइट करना है उसके ऊपर जस्ट घुमाइए, सिर्फ एक एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को करने, तो ब्रश साइज कम करने, बस कुछ बाहर गया कंट्रोल बटन दबा के इरेज कर सकते हो आप। तो इस तरह के आपको कंट्रोल यहाँ पे, ऐसे ही समझो आपको एडिट फोटो में जाके एनहांस में करता हूँ, समझो ये फोटो ब्लर करके सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, घर में आपको फोकस फोटो नहीं किया है ये फोटो शूट करने के टाइम, एनहांस में जाता हूँ एडिट फोटो में, एनहांस फोटो को मैंने ब्लर करता हूँ, ब्लर करके एक ही ऑब्जेक्ट को फोकस करना है वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। देखिए ये ऑब्जेक्ट को मेरे को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्लर है, ब्लर करता हूँ, कितना ब्लर चाहिए उतना ब्लर रख लीजिए, और ब्रश साइज करके कौन सा ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे फोकस करना है, सिर्फ जो सामने या लड़की है उनको ही फोकस करना है तो उतना ही आप फोकस कर रख सकते हो इस तरह से। कुछ बाहर गया अगेन शिफ्ट बटन करके इरेज, इस तरह से कंट्रोल और शिफ्ट बटन में आप काम कर सकते हो। तो ये आपको डिजाइन करने में बहुत आसानी से मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, ये है लाइटलिक्स, ये नया वर्जन में ऐड हुआ है लाइटलिक्स का जो फिल्टर है। फोटो सेलेक्ट करता हूँ, अलग अलग बुके इफेक्ट इसमें आप ऐड कर सकते हो। ये देखिए ये इफेक्ट अप्लाई किया मैंने, यहाँ पे ब्लेंड है, ऑपेसिटी है, टोन, ह्यू, सेचुरेशन, लाइटनेस, तीन ऑप्शन है। आपको कलर भी चेंज करना है, देखिए ह्यू को मैंने चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे कलर इज चेंज हो रहा है के हिसाब से। तो इस तरह का फोटो का आप स्पेशल करेक्शन कलर इसमें कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे गार्डन टाइप क्रिएट करना है तो स्पेशल गार्डनिंग क्रिएट हो जाएगा, उसके पीछे आप फोटो शूट कर रहे हो। और दूसरा कलर पॉट्स ऐड करना है, समझो बैंक्स हो रहे हैं उसके ऊपर कलर का पॉट क्रिएट करना है। ये सब क्या है, जेपीजी इमेजेस है, आप खुद भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, जो भी आपको यूज करना है सो डायरेक्टली आप ब्राउज बटन है, सब जेपीजी इमेजेस है, सो जेपीजी इमेजेस में आप ऐड कर सकते हो। वाटर का क्रिएट करना है, फ्लो को क्रिएट करना है, तो इस तरह का रिंग सेलेक्ट किया मैंने, देखिए ये फोटोज के अंदर आना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, फिट टू साइज, ये फिट टू साइज हटा दीजिए और कंट्रोल बटन दबा के इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हो और किधर भी घुमा सकते हो। देखिए बीच में एक फ्लावर का सिंबल है, इसको सेलेक्ट करके इसको कहाँ पे सेट करना है इस तरह सेट कीजिए। इस तरह का बहुत सारे ऐसे मिलेगा आपको, डिजिप्ले का वेबसाइट में है उसी में भी मिलेगा, और आपका खुद का भी ऐड कर सकते हो आप, सब ब्राउज बटन है, सेलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, बस ये सब यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लाइट लीक्स जो हम बोलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
ये देखिए सनलाइट, या सनलाइट को ज़्यादा कम करना यहाँ पे पॉसिबल है, सुबह का लाइट करना है, शाम का लाइट करना है, यहाँ पे ब्राइटनेस में एडजस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे देखिए यह फोटो है, बहुत सारे आपको वेडिंग का फोटो है, आउटडोर का फोटो है, उसको बहुत अच्छे तरह से आप कलर करेक्शन करके सो स्पेशल इफेक्ट यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे समझो इसमें बारिश का क्रिएट करना है, रेन है, ये देखिए बारिश, इस तरह का इफेक्ट दे सकते हो। ये सब आपको लाइट लेफ्ट में मिलेगा, ब्राउज बटन है घर के, आपका खुद का भी कोई भी जेपीजी स्पेशल इफेक्ट इमेज है आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये पूरा होने के बाद, ये डिजाइन पूरा होने के बाद यहाँ पे देखिए रोटेट है, 3D रोटेशन करें तो 3D रोटेशन है, फ्लिप करने तो फ्लिप है, टिल्ट है, सारा चीज़ है, फोटो का ग्रिड ग्रुप फोटोज करना है, सब कुछ यहाँ पे एक बार आप कंप्लीट वन बाय वन देख लीजिए तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। और एल्बम बनाया गया, एल्बम को दूसरा साइज में रिसाइज करना है तो रिसाइज सिंबल है, और ऑलरेडी अपने पुराना प्रोजेक्ट है आपका उसमें से एक एल्बम को यहाँ पे लेके आना है, नया ऐसे टेम्पलेट यहाँ पे इम्पोर्ट करके भी आप लेके आने का टूल भी यहाँ पे है। और पूरा होने के बाद ये प्रोजेक्ट सेव कर लीजिए। अभी समझो इसको मेरे को मेरा नाम पे सेव करता हूँ, प्रोजेक्ट सेव हो गया, इसको मैं कभी भी रीओपन कर सकता हूँ, रीओपन करके कुछ भी मॉडिफाई करना चेंज करना है तो कर सकता हूँ। और पूरा होने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के टाइम सॉफ्टवेयर पूछेगा कहाँ कौन सा फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, तो जेपीजी करना है जेपीजी, पीडीएफ करना है तो पीडीएफ, जेपीजी करके कोई भी लैब में आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट करना है तो मैक्सिमम साइज में इसको 100 में लेके आना है तो ओरिजिनल साइज में एक्सपोर्ट होगा, और आपको सेलेक्शन में भेजना है तो लो साइज करके आपका वाटरमार्क डाल के भी आप सेलेक्शन में भेज सकते हो।